नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंजाब टाइम्स में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा अब नशा तस्करों की नई बनाई गई जायदाद मुकदमे के साथ अटैच करनी शुरू कर दी गई है, ताकि माननीय अदालत की तरफ से इन जायदादों को कुर्क किया जा सके। इसी की तरह भटिंडा थर्मल पुलिस की तरफ से टीचर कॉलोनी में एक कोठी के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। जानकारी देते हुए थाना थर्मल के इंचार्ज एसआई हरजोत सिंह ने बताया कि एसएसपी भटिंडा की हिदायत कि नशा तस्करों की जायदादों की हड़ताल करके मुकदमे के साथ अटैच की जाए। इसके अलावा हमारे पास जो एक मुकदमा दर्ज था, उस पर संबंधित रिपोर्ट बनाकर संबंधित विभाग को भेजी थी। उनकी हिदायत थी कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंधित अवगत कराया जाए, ताकि हमने इस कोठी के ऊपर नोटिस चिपकाकर उस व्यक्ति को अवगत कराया है। इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगभग है। अब माननीय अदालत के फैसले तक यह व्यक्ति इस कोठी को न किसी के नाम तब्दील करवा सकेगा और न ही बेच सकेगा। मेरा नाम एसआई हरजोत सिंह, मुख्य अफसर थाना थर्मल, जिहड़ा हैगा सीनियर कप्तान पुलिस बठिंडा निर्देशां तहत, जिहड़ा हैगा समगलरां दीआं जिहड़ियां हैगीआं प्रॉपर्टियां ते जिहड़े पड़ताल करके जिहड़ा हैगा केस साडे ते मुकदमा सी, उस जिहड़ा कंपीटेंट अथॉरिटी नूं भेजिआ गिआ सीगा। इस तहत जिहड़ा कंपीटेंट अथॉरिटी नूं सानूं इक नोटिस भेजिआ गिआ सी वी जो इसदा मालक हैगा उसदे जिहड़ा हैगा उहनूं जाणू करवाया जावे, जिस तहत जिहड़ा हैगा घर ते जिहड़ा हैगा नोट चिपके के उहनूं जाणू करवाया गिआ हैगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां घर की दीवार और तस्वीर से शहद निकालने का मामला सामने आया है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। इसकी सूचना इलाके में फैलती ही लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए पहुंचे। वहीं घर में कीर्तन होना शुरू हो गया। घर वालों ने इसे गुरु की कृपा बताया। वहीं परिवार की महिला तानिया इससे संबंधित बात की तो उन्होंने बताया कि उनका लड़का हमेशा ऐसी बातें करता था। मामला फगवाड़ा के अर्बन स्टेट सालीमार बाग का बताया जा रहा है। गुरु जी अपने दुगरी वाले उन्होंने स्वरूप दे विचों शहद की वर्षा हो रही है। चुनौती हो रही है तो तुहानू किवें पता लगा है? ये सानू अज पता लगा ते साडे नाल आ जिदा मेरी वाइफ दे नोने आ उन्हां जिदा फोन दे विच आया उन्हां दी वीडियो आई भई इदां दा गुरु जी दे स्वरूप दे विचों वर्षा हो रही आ, तां साडी वी जिदा श्रद्धा पूरी आ गुरु जी दे विच, असीं वी देखदे आ अक्सर उन्हां दा फेसबुक दे उत्ते तकरीबन आउंदी आ। जिन्हां दी इन्हां दी समाधी बादल दुगड़ी, फिर मैं उन्हें दुगड़ी भी आश्रम गई, फिर उन्होंने मैं मैसेज आया फेसबुक के थ्रू ही, जिदा इन्होंने पेज भाजी लाइक किया होया, मैनु कहा कि तुसी ना अपना अपने घर स्वरूप रखो मेरा, गुरु जी ने मैनु मतलब कि कहा। फिर मैं इन्होंने स्वरूप लेके आई, फिर मेरा बेटा रोज स्कूल जाता सी, आपां सवेरे रोज पूजा पाठ करते सी, मेरे बेटे ने रोज कहना कि मम्मा साडे घर तक कदी शायद वर्षा हुंदी नहीं है ना, क्यों नहीं हुंदी, इन्हें रोज डेली कह के जाना। कल मां लक्ष्मी का वर्त सी, मैं वर्त भी रखा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेल समर्पण समारोह के आयोजन में प्रतिभाग किया। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और खेडा बहुत प्यार करने वाले मिथेर जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स युग सरामा सरबजीत जी, इस तो अलावा सैकटरी और खेड विभाग नाल संबंधित ऑफिसर साहबान, ते सब तो वध धन्नवाद मेरे सामने बैठे उन्हां कोचां दा जिन्हां ने समय समय ते अपने चेलियां नूं अपने खिडारियां नूं वख-वख खेडां दे विच ट्रेनिंग दे के काबल बनाया कि पोडियम फिनिश करन, मैडल लेके आउण।
और अज तुसी ये कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं है ना ही कोई ये कोई शक्ति प्रदर्शन है। बस वो सियाने कहंदे आ खुशियां वंडन नाल दुगनिया हो जांदियां ने दुख वंडन नाल अद्धे रह जांदे आ। सो मैं तुहाडी खुशियां दुगनिया करन लई इत्थे पहुंचा हां। तुहानू सारयां नू बहुत बहुत मुबारकां। मेरे वालों सारे सत श्री अकाल नमस्कार। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। एक बहुत वधिया कहावत कह लो इनू जा कह लो के कहा जांदा है बोलिया जांदा है कि लड़दियां फौजां होंदियां ने ना जरनैल दा बिल्कुल तुहाडे ते टुकदी आ। ओ खेड दे खिडारी ने तुहाडियां ट्रेनिंगां ने जितदे ने जदों तां नाम कोच दा कोच कौन सी दा क्योंकि कहा जांदा कि गुरु बिना गत नहीं। सो तुसी जदों तराशन वास्ते तुहाडे कोले आउंदे आ हीरे तां तुसी उन्हां तराशदे हो ते फिर जदों ओह तैयार होके कॉमनवेल्थ च वर्ल्ड चैंपियनशिप च एशियाड ओलंपिक च परफॉर्म करदे आ सब तो वध उस परफॉर्मेंस वेले जे 140 करोड़ लोग देख रहे ने कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन सुटना है जे तेंद्रपाल तूर नू देख रहे ने 140 करोड़ ता सब तो वध दिल दी धड़कन जिहड़ी है तेज ओह उहनां दे कोचां नहीं हुंदी है कि लास्ट टाइम मैं इन्नी मेहनत कीती है चार साल हुण फिनिशिंग दा टाइम। देखो मेहनत चार साल दी रिजल्ट 10 सेकंड च ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਲਕਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਨਰਵਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਆਊਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਫੇਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦਸ ਦੋ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਹਟਾਇਆ ਐਂਡ ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੋ ਗੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੱਜ ਜੇ ਮੂਹਰੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਸੀ ਗੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੱਟਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਛਾਂ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ।
मैं बहुत वड्डा स्पोर्ट्स लवर हाँ, बहुत वड्डा स्पोर्ट्स लवर हाँ। मैं कला ये नहीं कि मैं कला कोई क्रिकेट या हॉकी, मैं सारे टेनिस तो लैके बास्केटबॉल तो लैके सारे बड़ा मैं पढ़ता भी रहना, स्पोर्ट्स के मैगजीन पढ़ता रहना। देखो जो डेडिकेशन हो गए भी आओ बस अर्जुन मांगो जिला निशाना सीधा मछली की अखी दिखती है, फिर परमात्मा भी सारी शक्तियां तुहाडे हक च कर दिंदा। देखो जेना जिन्हें सिल्वर लिया जैवलिन च है उड़ीसा तो ट्रेनिंग इतनी हुई है पंजाब च, और किस तरह दोनों नीरज ते जेना एक दूजे को सपोर्ट कर रहे थे। पहली बार होया सिल्वर भी साडा है गोल्ड भी साडा है, और मोर देन 80% दोनों 80 मीटर तो उपर ने दोनों। और मैं देखता हुंदा सी बहुत चिर पहला तो मैं खैर वाच करता रहना कि फुटबॉल की टीम है जिहड़ी जिवें इंग्लैंड वगैरह इंग्लिश प्रीमियर लीग चलती है मानचेस्टर यूनाइटेड वगैरह आर्सनल चेलसी, उत्थे मैनेजर कहंदे आ कोच नूं, उत्थे कोच नहीं कहंदे वो मैनेजर कहंदे। मतलब मैनेजर बदलना टीम का बहुत वड्डा फर्क पै जांदा, उत्थे सब तो महंगा मैनेजर है। इस तरह बास्केटबॉल है जिहड़ी NBA चलती है उहदे च है। सो तुहाडी जिहड़ी प्रीख्या असल च वो देनी किसी होर नहीं होंदी है, मेहनत तुहाडी है पर उहदा रिजल्ट किसी होर तो उम्मीद किया जाता है। तुहाडा प्लेयर होगा तो फिर क्योंकि देखो क्रिकेट है, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है, उहदे विच कोच ज्यादा ज्यादा यह कर सकता है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दूगा, बॉलर जिहड़ा वो चेंज कर देंगे कि पहला स्पिनर तो शुरू करा लेने आपां पहले 15 ओवर चाह करांगे। खेडना प्लेयर ने हुंदा है पर टीम गेम जिहड़ी है जिवें एक हॉकी है जां जिवें तेंदर दा जिहड़ा इंडिविजुअल है, इस बार अपने एथलीट ज्यादा तीन गए सी, तिन्नां दे मैडल ने। सो जदों तुहाडा निशाना सीधा हो जाए ना कि बेहिम्मते हुंदे ने वह जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उहनां दे नावां दी जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। तो जिहड़े तुसीं नक्शे बना के भेजे इत्थों, जिहड़े तुसीं नक्शे बना के लैके जांदे हो, उह मंजिल नूं जांदे ही जांदे ने उह, फिर राह च कोई बाईपास जां कोई हंप नहीं आउंदा, फिर रुकावट नहीं आउंदी। कई बार मापिया वालों एड्डी वड्डी सपोर्ट होंदी है, उन्होंने आप ही चाहते होंगे कि असीं तां बच्चे इस लाइन च स्पोर्ट्स पाउणा है, तो तुहाडे कोल बच्चा फायदे भी थोड़ा हो गया जी, असीं तां जन्म देण वाले हां हुण थोड़ा। आ न्यूजीलैंड दी टीम आई हुई है क्रिकेट दे विच, वर्ल्ड कप चल रहा, उहदे च इक प्लेयर है रचिन रविंद्रा, इंडियन ओरिजिन दा, इत्थों उहदे मां प्यो गए सी उत्थे न्यूजीलैंड, उत्थे पैदा होया। तुम सोच सकते हो कि उसका नाम, चलो रविंद्रा तरुण का सरनेम, रचिन की हो गया, रचिन कभी नाइन सुने से RACHIN, उसका बापू जिहड़ा सी वो इन्ना क्रिकेट का फैन सी, कभी मैं प्लेयर बनाना है, उन्हें राहुल द्रावड़ ते सचिन का बहुत बड़ा फैन सी, उन्हें राहुल चो राहुल दे नाम चो RA ले लिया ते सचिन चो CHIN रचिन, मतलब राहुल द्रावड़ वाली डिफेंस सचिन अटैक। तो उन्हें पहले मैच ही सेंचुरी ला दी जी परसों इंग्लैंड के विरुद्ध, इहदा मतलब मापिया ने पहला सोचा होया सी, वो तो फिर कोच अद्धा अद्धी कोचिंग तो लेके आया वो धरती से। खेडां दीआं गल्लां चलदीआं होणगीआं, घर च माहौल इदां दा होगा तो बन जूगा। एको परिवार च तीन आ गए, बैंस परिवार च तीन मैडल। सो यह कल्चर अपने दोबारा डिवेलप करना, मैं नहीं कहना कि नवा डिवेलप करना, तो पहला सी अपना बिच दी फिक्की पैगी सी अपनी चमक,
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ 100% ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਕਿਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਰੀਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੂੰ ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 200 ਦਾ 400 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੀਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੈਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਤਾ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਬੁਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਚੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌੜਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੋ ਐ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਿਰਫ MBBS ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਚ ਆ ਜੂਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਡ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸੀ ਚਲੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਲ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਠਾਉਣੇ ਹੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਲਿਬਰੋਨ ਜੇਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਿਊਬ ਚ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰੋਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਟੀਮ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਆਪਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਏ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਆਫ 7 ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗਾ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ ਕੇਵਿਡ ਡਰਾਇੰਟ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਲਿਬਰੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ 3-0 ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 3-0 ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ 3-0 ਤੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਲਿਬਰੋਨ 3-1 5 ਜਿੱਤ ਗਿਆ 3-2 6 ਜਿੱਤ ਗਿਆ 3-3
सत्तवें मैच दे विच सिर्फ दो सकेंट बाकी सी ते मैच टाई सी, एक ही बस टाइम आउट लिया होया सी क्योंकि बास्केटबॉल च टाइम आउट बहुत मायने रखता है। टाइम से टाइम आउट ले लिया तो वो कोच का कम है, वो कोच जिहड़ा बनाई रखता सारा कुछ। आखिरी दो सकेंटा दे विच लिब्रॉन कोले जे बॉल आनी सी, लिब्रॉन ने थ्री दी टाई करनी सी, दैट्स इट, क्योंकि दो सकेंट तो बहुत डेढ़ सकेंट ही होंदा, लगभग डेढ़ सकेंट ही सी। तो लिब्रॉन कोले बॉल आई तो लिब्रॉन ने पाती थे थ्री पॉइंटर पै गया, लिब्रॉन चैंपियन बन गया, 4-3 ते चैंपियन बन गया। तो उन्हें इंटरव्यू किया गया मैदान दे विच ही, हजे बाकी प्लेयर भी सारे हजे ग्राउंड च ही सी। उन्हें क्या पूछा गया भी की कहना चाहेगा, वह कहिंदा रब हमेशा मेरी ना पता नहीं क्यों औखे कम्मां दे ड्यूटी ला लैंदा। कहिंदा लै हुण मैनूं कहिंदे भी जिवें भी क्लीवलैंड नूं चैंपियन बनाओ, क्लीवलैंड दी टीम नूं। रब कहिंदा पता नहीं क्यों मेरी औखे कम्मां ते ड्यूटी ला दिंदा, पर कहिंदा शायद रब नूं पता है कि मैं औखे कम कर लैंदा, इन्ना कह के बाहर हो गया। सो कई बारी रब थोड़ी औखे कम्मां ते ड्यूटी इस करके लाउंदा है कि उन्हां नूं पता हुंदा है परमात्मा नूं कि कर लूगा कम। सो थोड़ी भी बहुत औखे कम्मां ते ड्यूटी लगदी हुंदी है कि एशियन चैंपियन पैदा करने ने, कॉमनवैल्थ ते चैंपियन पैदा करने ने, पैरिस तो उम्मीदां वध गईआं हुण पैरिस ओलंपिक दी तो। पर यह समझ लियो जिन्ना काम औखा है यदा मतलब परमात्मा नूं पक्का पता है कि कर लूगा। तो फिर परमात्मा जिहड़ा चुंझ दिंदा वह चोगा भी दिंदा, जिहड़ा कोई जिम्मेवारी दिंदा वह समत भी बख्शदा उसनूं निभाउण दी। सो तुसी साढ़े पंजाब की एक बहुत करीम हो, साढ़े पंजाब की खेडां दा कल्चर जिहड़ा साडा मन्निया गया पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा नचदा खेडदा पंजाब, गलोरी वापस लैके आउणी है। मैं कोई इस गल तो मैं बल्कि हैरान भी हाँ, कोच साहब ने दसिया कि धरने ला के पानी दियां विछाड़ां इथों लाठी चार्ज करवा के इथों वापस मुड़ते रहे हैं। फिर कहिंदे जे कि मैडल जीत के लियाओ, जे कोच नूं आपदे भविख की चिंता होगी वह खिडारी का भविख किवें बना दूगा, जे टीचर नूं आपदे भविख की चिंता होगी तो वह बच्चों का भविख किवें बना दूगा। सो घट्टो घट्ट कोच की प्लेयर की यह चिंता तो मिटनी चाहिए है ना, कि साडा चुल्ला तो चुल्ले नूं कोई वह ना हो। इस तरह से पहला 12,710 जिहड़े अध्यापक से उन्होंने तनखाह बधाई ने, 55-55 सौ से काम कर रहे थे टीचर, उन्होंने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार किया, थोड़े भी दुगुने तिगुण ढाई गुणा असी तनखाह। ये कोई खास खास अमाउंट नहीं होंगी गौरमेंट वाले, पर जिहड़ा तुसीं गोल्ड मैडल जिहड़ा तुसीं चांदी का मैडल जो ब्रॉन्ज लैके आने वो कोई कीमत नहीं करंसी च किसी च, जो उत्थे देश का झंडा उपर जाता है, जो पंजाब के एयरपोर्ट से उतरते हैं ढोल बजते हैं फुलकारी उत्ते तान के जो उन्होंने रिसीव किया जाता है, जो पिंड जाते हैं जलेबियों का लंगर लगता, यह गल्लां मायने रखती हैं। फिर कि साढ़े पिंड के मुंडे ने गोल्ड मैडल जीते, पहला यह हुंदा सीगा पंजाब के पिंड जिहड़े सी ना वह अचीवमेंट्स के नाँ से जाने जाते हैं, आह कि पिंड है भी ये फौज के फलाने जरनैल का पिंड है जिन्हें फलानी जंग के इन्ने टैंक उड़ाए से, आह कि पिंड है आह फलाने प्लेयर का पिंड है जिन्हें बॉक्सिंग के एशिया के फलाने हराया से, आह कि पिंड है जी ये फलाने कबड्डी प्लेयर का पिंड है जिन्हें कदे अपने पिंड से मिट्टी नहीं लगन दी, एडा तकड़ा रेडर सीगा। पहला पिंड जिहड़े अचीवमेंट्स जिहड़ियां ने ना उन्हां दे नां ते जाने जांदे सी। बाद च की हो गया जदों नीतां खराब हो गईआं सरकारां दीआं, फिर पिंड जिहड़े ने उह बलैकीआं ते समैकीआं दे नां ते जाणे ने, आ फलाने बलैकीए दा पिंड है, आ फलाने समैकीए दा पिंड है जी, हैं इत्थों वाले आ समागलर दा पिंड है फलाने दा। आपां वापस हुण ना उत्थे लैके आउणा, मैं पिछले दिन जदों 3,000 मुंडे कुड़ियां पीएपी ग्राउंड दे विच। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।